बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर दिया कि 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1 इक्वल है y के, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर 1/y, यानी अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं तो ये x+1 डिवाइडेड बाई 2x+3 लिखा हुआ है, तो ये 1/y के इक्वल कंसिडर कर लिया है। तो इस तरह से हमने y एंड 1/y कंसिडर किया। नाउ अब हमने इसको रिप्लेस कर देना है इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को हमने कहा ये y की इक्वल है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर y, फिर प्लस का साइन, फिर 6, और फिर ये इक्वेशन में वैल्यू इक्वल है 1/y की, तो हमने यहाँ पुट किया 1/y इज इक्वल टू 7। नाउ अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो y लिखा मैंने, फिर 6 × 1 = 6, यानी 6/y इक्वल टू 7। नाउ यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया है y, और y के नीचे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y² + 6। फिर इसके बाद आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y² + 6 इज़ इक्वल टू 7y। तो इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी y² - 7y + 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसके बाद हमने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ये काम होता है कि सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो मैं 6 का अगर एलसीएम सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पे 2 × 3 = 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 × 1 = 6 मैं प्रीफर कर रही हूँ। इसकी वजह यह है यहाँ पर -7y है, और मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है, तो -6y + 6 = 0, यानी कि 6 में 1 प्लस हुआ तो -7 बन जाएगा। अब हमने कॉमन लिया y, तो ब्रैकेट में आ गया y - 6, यहाँ से -1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ गया y - 6 = 0। नाउ ये इक्वेशन है हमारे पास में, y - 6 एक कॉमन नज़र आ रहा है ब्रैकेट, तो मैंने लिख दिया, और नेक्स्ट मैंने y - 1 लिख दिया इक्वल टू 0। इस तरह से हमें सॉल्यूशन सेट y - 6 = 0, यानी यहाँ y की वैल्यू आ गई 6, और इसी तरह y - 1 = 0, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 1। यहाँ y की 2 वैल्यूज़ आ चुकी, यानी y = 6 और y = 1, तो यहाँ हमें मालूम है कि y तो हमने यहाँ पर सपोज़ किया था, और y सपोज़ किया था हमने, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1 है, और ये इक्वल है y की, तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 आई है, तो मैं इसे रिप्लेस कर दूँगी, यानी 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1 = 6, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करके x फाइंड आउट कर लूँगी, जो हमारा टारगेट है, जो हमें फ़ाइंड आउट करना है सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2x+3 डिवाइडेड बाई x+1 = 6। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसको क्रॉस में ले जाना है, x+1 को क्रॉस में ले जाऊँगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6 (x+1). इसीलिए मैंने लिखा 2x+3 = 6x + 6 × 1 = 6। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर देना इक्वेशन को, तो x की टर्म्स को मैं एक साइड पर लिख देती हूँ, -6 हो जाएगा ये, और यहाँ 6 - 3 हो जाएगा, तो रिज़ल्ट में आ गया -4x = 6 - 3, रिज़ल्ट में 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/-4। सो यहाँ पर x आ गया हमारे पास 3/-4, लेकिन हमारे पास x = 1 भी था, जो हमने इक्वेशन में फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम इसी y को रिप्लेस करेंगे अब अगेन दोबारा से, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक और x फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1 = 1, अब क्रॉस में चला जाएगा ये, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1, और ब्रैकेट में x+1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट तो सेम आ जाएगा, यानी x+1। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, तो 2x लिखा और x शिफ्ट हुआ तो -x 1, और फिर +3 शिफ्ट हुआ तो -3, यहाँ पे आ गया x = -2। एक्स का यहाँ रिज़ल्ट आ गया, यानी सॉल्यूशन सेट आ गया है हमारे पास 3/-4 और फिर -2। सो दिस इज़ आर आंसर। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स फाइंड आउट कर लिया है। नाउ हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो इसी एक्सरसाइज में से है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, लिखा हुआ है यहाँ पर x² - 8x²
प्लस बल्कि माइनस ही है, माइनस साइन इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर इसको भी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि सपोज़ कर लेंगे y इक्वल है x स्क्वायर के, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब हम यहाँ पर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे बोथ साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे तो बन जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स फोर के इक्वल आ गया है, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे और लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। ये सिंपल इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, वन मल्टीप्लाई बाय नाइन तो नाइन, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है यहाँ पे एट वाई को, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस नाइन वाई एंड प्लस वाई, बिकॉज माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस नाइन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वाई कॉमन लिया यहाँ पर तो ब्रैकेट में आ जाएगा वाई माइनस वन, वाई माइनस नाइन, फिर प्लस, और यहाँ पर वन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा वाई माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। सो वाई माइनस नाइन एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट वाई प्लस वन। नाउ यहाँ पर हमें y माइनस नाइन इक्वेट कर देना है ज़ीरो से और y प्लस वन इक्वेट कर देना है ज़ीरो के साथ। सो y का रिज़ल्ट आ जाएगा प्लस नाइन और यहाँ y का रिज़ल्ट आ जाएगा वन। नाउ यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। रिप्लेस कर दिया हमने वैल्यूज को, फिर हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व के प्लस माइनस थ्री, और यहाँ पर x पर स्क्वायर रूट लिया तो फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई होके x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस वन। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ दिस इज़ द कम्प्लीट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।